नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं कुछ ऐसे डाउट आपके क्लियर करूंगा YouTube से रिलेटेड, जिसके बाद में आपको लगेगा ही नहीं कि YouTube के ऊपर सक्सेस होना बहुत ज़्यादा कठिन है। दोस्तों आपका एक वीडियो अगर YouTube के ऊपर वायरल हो जाता है तो उसके साथ में दूसरे वीडियो को कैसे वायरल करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर मैं कर दूंगा। दोस्तों मनोज डे ने बोला है कि हमेशा दिल के अंदर ये डर बना रहता है एक यूट्यूबर के दिल में कि क्या पता कब आपका चैनल डीड हो जाए। लेकिन डीड होने के पीछे जो बहुत बड़े रीजन होते हैं उन सबसे आपको कैसे बचना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपके सारे डाउटों को मैं क्लियर करूंगा। दोस्तों आपको चैनल आपका जो है वो एक बार ग्रो करने के बाद में डीड होने के जो चांसेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आप अगर जो वीडियो अपलोड कर चुके हो उनमें से वायरल हो रखे वीडियो है वो वीडियो आगे से आगे चलते रहते हैं, यानी कि आपके चैनल को डीड होने ही नहीं देते हैं वही वीडियो जो वीडियो आपके अब तक चल रहे हैं। अब एक वीडियो के साथ में दूसरा, मान लीजिए एक आपका वीडियो वायरल हो गया है तो उस वीडियो के साथ में दूसरा वीडियो कैसे शो करेगा आपके दर्शकों को, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आप अपने चैनल के ऊपर हैशटैग लगा करके कुछ ऐसे शब्द लिखिए जो हर वीडियो के अंदर हो, तो उससे क्या होगा कि आपका एक वीडियो अगर आपके दर्शक को शो होगा तो उसके साथ में आपका दूसरा वीडियो भी दर्शक को शो होगा नीचे की तरफ, क्योंकि एक ही चैनल और एक जैसे शब्द होने की वजह से उस वीडियो को YouTube वालों को सजेस्टेड वीडियो के अंदर दिखाना पड़ता है। इसी कारण से आपका दूसरा वीडियो भी उसके साथ साथ वायरल हो जाएगा और आपको उस वीडियो के जरिए भी काफ़ी सारी अर्निंग मिल जाएगी। इसलिए ये सारे आइडियाज़ फॉर्मूला अपना करके आप अपने YouTube चैनल को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों चैनल डीड नहीं होता है, एक बार अगर आपका चैनल उठ चुका है तो आपका चैनल डीड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए घबराना मत। रेगुलर वीडियो आपको बनाना ज़रूर पड़ेगा, उससे क्या होगा कि आपका चैनल डीड नहीं हो पाएगा, आपका कोई ना कोई वीडियो सब्सक्राइबर जेन्युइन करता चला जाएगा। अगर वीडियो में कोई भी नॉलेज अच्छी लगी हो तो उसके लिए आप के सामने लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए।